और जो बात हम आपसे करने लगे हैं ना, उसके बाद तो इन सब चीजों का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बताइए ना, क्या बात है? और ये तो यही बताएंगे आपको। वैसे मुझे कुछ अंदाजा है कि आप लोग क्या बात करने वाले, क्योंकि मुझे हमना ने बताया है कि असद भी वहीं पर है। क्या मतलब, कहाँ है असद? कहाँ है क्या मतलब, भाई साहब के घर पर, और कहाँ, आप लोगों को नहीं पता? हाँ हाँ पता है हमें, क्यों क्यों फहमीदा रहेगा? मुझे तो आप लोगों के बात शुरू करते ही अंदाजा हो गया था कि आप लोग शादी की तारीख की बात करने वाले। जी जी बिल्कुल, हम चाह रहे हैं कि आप अगले महीने की शुरू की तारीखों में से कोई तारीख उनसे लेके हमें दे दीजिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके ये मुबारक काम अंजाम पाए, है ना? अरे फिर ने काम में देरी कैसी, मैं आज ही बात कर लेती हूँ भाईजान से। मेरे ख्याल में जुबैर, हम अपनी मर्जी से जल्दी का फैसला कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए इतना आसान ना हो। मेरे ख्याल में ये फैसला उनकी सहूलत पर छोड़ देना चाहिए। अपनी मर्जी उन पर मुसल्लत करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। अरे मर्जी मुसल्लत करने वाली ऐसी क्या बात है, आप लोग सहूलत की तो फिक्र ही मत कीजिए। मेरे भाई साहब चाहे ना तो अपनी इकलौती बेटी को एक हफ्ते में बा आसानी ब्याह दें, और वैसे भी उस घर में मेरी कोई बात कभी रद्द नहीं होती, तो आप किसी बात के बारे में परेशान ना हो, बस आप शुरू करें अपनी तैयारियां। इंशाल्लाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो फिर तो भाई, इनका मुंह मीठा कराइए आप। मुझसे पहले तो आप फहमीदा बहन का मुंह मीठा कराएं, सबसे ज्यादा खुशी जो इन्हें होगी, क्योंकि अब रूमी को पसंद ही इन्होंने किया था। चलिए आप दोनों मुंह मीठा करा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए ये भाई।